जी हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहितास और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रोहितास घोटड़ा खालसा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली के सुबोध भाटी ने T20 में दोहरा शतक जड़कर विश्व क्रिकेट में तहलका मचा दिया है। T20 में ये कमाल करने वाली ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। बता दें कि सुबोध ने क्लब स्तर के टूर्नामेंट में 11 की तरह खेलते हुए ये कमाल किया। इस बल्लेबाज ने 79 गेंदों पर 17 चौके और 17 छक्के की मदद से नाबाद 205 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। उन्होंने मैदान के चारों ओर तरफ चौके छक्के लगाए। पहला सैकड़ा उन्होंने 17 गेंदों में ही पूरा किया। 17 गेंदों में उन्होंने 102 रन बनाए। अपने ही इस पारी के दौरान सुबोध ने बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। सुबोध ने अपनी पारी के साथ वेस्टइंडीज के क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम भी T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। क्रिस गेल ने IPL 2013 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर RCB की टीम के खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 66 गेंदों में 175 रन की धुआंधार पारी खेली थी। क्रिस गेल के अलावा ऑस्ट्रेलिया के कप्तान आरन फिंच के नाम T20 में 172 रन दर्ज है। उन्होंने साल 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज में 172 रन बनाए थे। बता दें कि सुबोध ने घरेलू सीजन रणजी ट्रॉफी में 2015-16 में क्रिकेट जगत में डेब्यू किया था। सुबोध बल्लेबाज के साथ एक गेंदबाज भी है। आठ प्रथम श्रेणी में मैचों में उनके नाम 19 विकेट दर्ज है। गेंदबाज में उनका बेस्ट 6 विकेट 55 रन देकर है। उन्होंने 25 लिस्ट ए मैचों में 38 विकेट चटकाए हैं। वहीं 39 T20 मैचों में उनके नाम है 47 विकेट दर्ज। तो दोस्तों ये खबर आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।